दोस्तों आप सभी को बताऊं कि देखो RRTS जो ट्रेन है वो यहाँ के निकलती है, क्योंकि ये वैशाली में और बेगमपुर का इसका अंडरग्राउंड स्टेशन है। और यहाँ पर देख सकते हो ये जाली लगाई जा रही है अभी इस टाइम पे। देखो क्रेन मशीन खड़ी हुई है और ये देखो रेलिंग लगाई जा रही है ऊपर दीवारों पे। देखो आप सभी, जब मैं पिछली बार आप सभी को अपडेट दिया था तो इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इसको जोड़ने का काम किया जा रहा था। अब इस पर ट्रैक बिछा दिए जा चुके हैं और इस पर अब स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाए जाएंगे। उसके ऊपर दोस्तों OHE इक्विपमेंट लगाया जाएगा, OHE वायर का काम किया जाएगा। तो अभी बहुत सारा काम है, तो आप लोगों को स्टेशन दिखाते चल के कौन कौन सा स्टेशन है। अभी देखो अभी स्ट्रीट लाइट के खंभे नहीं लगे हैं, तो इसी से आप समझ सकते हो कि काम यहाँ पर चल रहा है। देखो ये रखे हुए हैं ट्रैक स्लैब, जिनके ऊपर पटरियाँ बिछाई जाएगी दोस्तों। MES कॉलोनी RRTS स्टेशन यानी कि मेरठ मेट्रो का स्टेशन होने वाला है ये। देखो दोनों साइड के एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुके हैं और साइडों से जो चढ़ने उतरने के लिए फुटओवर वो भी देखो बन गया है। अब इसके ये जो सेटिंग लगी थी वो उतारी जाएगी। देखो इधर तो वो जब पिछली बार आया था तब आप लोगों ने देखा ही होगा। देखो ये नज़ारे यहाँ के, इधर तो बन चुका है। एक स्टेशन और आएगा, भी दिखाएंगे चल के आप सभी को। ये यहाँ से थोड़ी सी कर्व ले लेती है लेफ्ट, ये बीच का मीडियन बनाया जाएगा। वो रखे हुए हैं स्लैब छोटे छोटे। यहाँ तो ये राइट में कर्व ले लेती है।
देखो ये बीच का मीडियन बनाया जा रहा है ना, टीम लगी हुई है अभी वर्क कर रही है। ये दौरली आ रहा है, RTS का स्टेशन आ चुका है, इस पर देख लेते हैं इस पर क्या काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। इस पर तो देखो दोस्तों ये जो वॉकवे है, तो देखो इस पर गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है। अब इस पर फ्लोर वर्क की तैयारी चल रही है, ये देख सकते हो दोनों साइडों में ही। और यहाँ पर एक साइड का तो देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है, दूसरी साइड अभी नहीं बना है क्योंकि ये यहाँ से दीवार खाली होगी। तो देखो ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो आप लोग दीवारों को चौड़ा किया जा रहा है। और देखो यहाँ पर बनाया जाएगा ये देखो आप सभी, पागल आगल हो गया दिखे बहुत थोड़ी के। अब यहां से दोस्तों ये आ चुका है मेरठ हाईवे NH 334 यानी कि मेरठ बाईपास, तो इसको क्रॉस करेंगे और आगे चलेंगे, आगे का भी दिखाते हैं आप लोगों को क्या आगे क्या काम चल रहा है अभी। देखो ये है मेरठ बाईपास, ठंड पे देखो ये चली जाती है RRTS के लिए, तो आगे का भी आप लोगों को दिखाएंगे चल के, ठीक है जी। पहले फोन सुन लेते हैं, फोन आ रहा है। चलो जी चलते हैं, दिखाते हैं आप सभी को NH 34 हाईवे से और RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है दोस्तों, दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होता है और ये मेरठ के मोदीपुरम में जाके इसका एंड हो जाता है। तो आज आप सभी को इसी का कंस्ट्रक्शन वर्क देखने के लिए मिलेगा काफ़ी टाइम के बाद में। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि एक स्टेशन यहाँ पर बनाया जा रहा है जिस पर कौन कोच लेवल बनकर कंप्लीट हो चुका है, बीच की दीवारें उठाई जा रही हैं, इस पर अभी पत्थर लगाया जा रहा है और प्लेटफॉर्म लेवल पर देखो अभी जोड़ने का काम किया जा रहा है, किसको, बीम को, फिर इसके बाद में पत्थर लगाया जाएगा। तो यही काम चल रहा है देख सकते हो आप लोग। ये देखो आप सभी, यह है पल्लवपुरम, देख लो आप सभी ऐसा है। अब चलते हैं आगे, आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को मोदीपुरम RRTS का स्टेशन, जो भविष्य में ये हरिद्वार तक लाइन जाने वाली है, तो उसी का अपडेट देखने के लिए मिलेगा आप सभी को। ये फ्लाईओवर आ चुका है,
ये देख सकते हो आप सभी, ये सारे लॉन्चर देखो। अब ये लॉन्चर उतारा जा रहा है, दो लॉन्चर वो हैं सामने जो कि NH 34 के ऊपर से ये देखो RRTS की लाइन गुजारी जाएगी दोस्तों। दोनों साइडों में लॉन्चर लगे हुए हैं इस टाइम पे, देखो आप सभी। और नज़ारा देखो, नज़ारा क्या खूब है दोस्तों। अच्छा ये बंद कर रखा था कल, देखो कल हम उधर से गए थे घूम के। देखो आप सभी ये रखे हुए हैं सेगमेंट जो ट्रक से लाए जा रहे हैं और यहाँ पर जोड़ने का काम किया जा रहा है। देखो ये कंस्ट्रक्शन यार्ड से लेकर आ रहे हैं इन सेगमेंटों को, ये देखो ट्रक पर रखे हुए हैं। ये सेगमेंट को जोड़ा जाता है एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में। ये देखो सेटिंग लगी हुई है सारे में ही, बीम डालने का काम किया जा रहा है प्लेटफॉर्म लेवल पे। आप लोग नज़ारे देखो कंस्ट्रक्शन के, देखो इधर बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट।